प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं व्याख्यान के लिए उपस्थित हूँ। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में मैं यहाँ कंसल्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के छात्र छात्राओं के लिए जनसंख्या से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय, जिसका शीर्षक है जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व, एक पुनर्चिंतन विषय पर मेरा व्याख्यान है। मेरा ये जो व्याख्यान है ये पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों के लिए है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका जो MAEC 117 है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज विश्व में जनसंख्या की समस्या बहुत ही ज्वलंत हो गई है। ज्वलंत इस रूप में है कि मानव आबादी 200 हजार वर्ष पहले जहां हमारी 1 अरब थी, वहां मात्र 219 वर्षों में इसकी आबादी 8 अरब से अधिक हो गई। अगर हम भारत देश के संदर्भ में लें तो हम ये बता सकते हैं कि आज़ादी के समय जहां हमारी संख्या 36 करोड़ के आसपास थी, वर्ष 2022 में हम लोगों की संख्या बढ़कर 141 करोड़ के आसपास हो गई। तो आप समझ सकते हैं यह समस्या बहुत ही ज्वलंत है, PG के बच्चों के लिए और UG के छात्र छात्राओं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जनसंख्या वृद्धि का प्रत्यय और उसकी विशेषताओं की हम अगर चर्चा करें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। डेमोग्राफी में हम जब भी इस शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो आकार बड़ा महत्वपूर्ण है, क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है वो सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तीन प्रकार के जो जनसंख्या में परिवर्तन आते हैं वो इस रूप में हैं कि एक तो जो चेंजेस आते हैं वो सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, दूसरा नकारात्मक होते हैं, निगेटिव होते हैं, और तीसरा स्थिर होते हैं। सीधी सी बात है कि जो जनसंख्या होती है वह शून्य नहीं होती है, ये सामान्य एक प्रवृत्ति है और इसमें कमी हो सकती है, स्थिरता हो सकती है, लेकिन इतनी स्थिरता नहीं होती है कि हम उसको स्टैग्नेंट मान लें। हम इसमें मृत्यु दर और जन्म दर की तुलना भी कर सकते हैं। मृत्यु दर इस रूप में कि जनसंख्या बढ़ती भी है तो मृत्यु के कारण जनसंख्या गिरती भी है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि की जो स्थिति है वो एक क्षणिक स्थिति भी आ सकती है, क्योंकि विश्व की जो जनसंख्या की जो स्पेस है वो मात्रा बहुत ही सीमित होती है। जनसंख्या की वृद्धि में 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हम आज इसकी चर्चा करेंगे। एक तो जन्म, मृत्यु और प्रवास, इनकी क्या भूमिका है। वास्तव में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। यही 3 तत्वों का सम्मिश्रण ही, इन्हीं 3 तत्वों का जो क्रियाविधि का परिणाम है वह जनसंख्या में वृद्धि का कारण बनता है। पहला तत्व है जो उच्च जन्म दर या उच्च प्रजनन दर से संबंधित है। दूसरा जो फैक्टर है वह मृत्यु दर से संबंधित है, और तीसरा माइग्रेशन या प्रवास से संबंधित है। हम लोग जो है इन्हीं 3 तत्वों पर अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले देखें जो उच्च जन्म दर है या उच्च प्रजननता दर है उसकी वजह क्या है। जन्म दर और प्रजनन दर में अंतर है। जो जन्म होता है वह व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है, क्योंकि वह उसके जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना होती है। जबकि प्रजननता है, इसे हम फर्टिलिटी कहते हैं, यह व्यक्तियों के समूह से संबद्ध एक जीवन प्रक्रिया। प्रजनन क्रिया वास्तव में मूल रूप से 3 बातों पर निर्भर करती है। प्रसिद्ध जनांकीय विद प्रोफेसर रेड्डी शर्मा साहब का कहना है कि 3 कौन कौन से मूल तत्व हैं जो प्रजननता को बढ़ाते या घटाते हैं। आइए देखें, सबसे पहला है प्रजनन की शक्ति, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। दूसरा हमारा फैक्टर है वह प्रजनन के अवसर से जुड़ा हुआ है, अपॉर्चुनिटी टू रिप्रोड्यूस, जिसे हम कह सकते हैं।
और तीसरा तत्व तो है डिसीजन टू रिप्रोड्यूस यानी प्रजनन संबंधी निर्णय। इन तीनों तत्वों में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक हम इसे मान सकते हैं वो प्रजनन के अवसर और प्रजनन संबंधी निर्णय हैं। अगर हम ये बात कहें कि प्रजननशीलता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण हैं तो इसमें हम बता सकते हैं कि शैक्षिक स्तर बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा का स्तर जहाँ ऊँचा होगा वहाँ प्रजननता गिरेगी। अगर एजुकेशन लेवल डाउन होगा तो स्वाभाविक है प्रजननता का स्तर जो है वो ज़्यादा होगा। वैवाहिक स्तर भी महत्वपूर्ण होता है। वैवाहिक स्तर ये सीधे सीधे संकेत करता है, एज एट मैरिज की बात है, अगर विवाह की आयु कम होती है तो स्वाभाविक है कि प्रजनन के अवसर हमें ज़्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से प्रजननता ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से जनसंख्या भी बढ़ती है। नगरीकरण एक महत्वपूर्ण तत्व हम कह सकते हैं। अर्बनाइजेशन की वजह से लोग शहरों में ज़्यादातर प्रवास करते हैं। शहरों में रहने वाले लोग अपने सुख समृद्धि और अपने स्टैंडर्ड लिविंग के प्रति बड़े कॉन्शस रहते हैं, जिसकी वजह से वो फैमिली साइज को छोटा रखने में, परिवार के आकार को छोटा रखने में विश्वास रखते हैं। लेकिन गांव में रहने वाले जो लोग हैं कृषि पर आधारित है या कृषि संबंधित उद्योग धंधों पर उनका व्यवसाय है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करते हैं कि जनसंख्या का आकार छोटा होना चाहिए, क्योंकि कृषि जो है बहुत सारी जनसंख्या को अपने अंदर आत्मसात कर लेती है। धर्म और सामाजिक रीति रिवाज की वजह से भी जनसंख्या, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, जातियां हैं, जिन जो इस बात को नहीं मानती हैं कि फैमिली साइज छोटी होनी चाहिए, परिवार का नियोजन हमें स्वीकार होना चाहिए। सामाजिक गतिशीलता भी महत्वपूर्ण तत्व तो है। लोग अगर एक स्थान से दूसरे स्थान को मोबाइल करते हैं तो उनके अंदर भी ये बात होती है कि परिवार को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं। मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगर मृत्यु दर ज़्यादा होती है तो स्वाभाविक है प्रजननता ज़्यादा होती है। जिनके परिवार में बच्चों की डेथ ज़्यादा हो रही है तो बड़े वो कॉन्शस होते हैं कि अपनी फैमिली को छोटा न करें, बल्कि वो फैमिली को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, परिवार को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। भौगोलिक कारण भी हैं। भौगोलिक कारण इसलिए आप कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ इस प्रकार का माहौल होता है, कुछ देश ऐसे होते हैं जो ठंडे होते हैं, कुछ गर्म होते हैं, और इनकी वजह से जो महिलाएं होती हैं उसमें प्यूबर्टी एज जल्दी आती है, जिसकी वजह से भी असर पड़ते हैं। जैविक तत्व भी एक महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक तत्व है जो जनांकी के इस महत्वपूर्ण तत्व को प्रभावित करते हैं कि प्रजननता बढ़ती है। आइए हम लोग अन्य बिंदुओं पर चर्चा करें। यहाँ पर देखिए शिक्षा का स्तर, सबसे पहले हम शिक्षा का स्तर लेंगे। यहाँ पर शिक्षा का स्तर प्रजननशीलता को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। अशिक्षा है, अज्ञानता है, रूढ़ियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं और अंधविश्वास की जो बेड़ियाँ हैं वो परिवार नियोजन को नहीं मानने देती हैं, वह परिवार कल्याण का कॉन्सेप्ट स्वीकार करने से रोकती हैं। या आप ये कह सकते हैं कि फैमिली साइज छोटी होनी चाहिए या बच्चे बस दो ही अच्छे, इस अवधारणा को समझने में बाधक तत्व का काम करते हैं। वैवाहिक स्तर की अगर हम चर्चा करें, इसे मार्टियल स्टेटस अंग्रेजी में कह सकते हैं, जहाँ विवाह की आयु कम होती है वहाँ प्रजनन अवसर अधिक मिलने के कारण प्रजनन दर अधिक होता है। प्रोफेसर ईएम ड्राइवर ने अपने रिसर्चेस में यह फाइंड आउट किया कि 18 वर्ष के विवाह की आयु यदि उसके ऊपर है तो औसत एज जो है 3.5 है, और कम उम्र है तो उसकी वजह से बच्चों की जो संख्या है परिवार में ज़्यादा होती है, ये उनका एक फाइंडिंग है। नगरीकरण भी एक महत्वपूर्ण तत्व तो है जो प्रजननता को बढ़ाती है और घटाती है। आइए अगला हम लोग यहाँ पर मृत्यु कम एक महत्वपूर्ण तत्व तो है जिसकी वजह से प्रजननता बढ़ती और घटती है। जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि प्रजनन दर मृत्यु दर से प्रभावित होता है। जहाँ बाल और शिशु मृत्यु दर अधिक होती है वहाँ प्रजनन दर उच्च होता है। भौगोलिक काल में भौगोलिक संरचना, जलवायु, भू संरचना और देश में उपलब्ध जो खाद्य सामग्री है वह भी जो है प्रजननता को बढ़ाती या घटाती है, महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। और मैंने अभी आपसे कहा कि सीख जो
महिलाएं प्रजनन के योग्य हो जाती हैं गर्म देशों में, वो भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। जैविकी तत्व में प्रोफेसर डीएस नाग का कहना है कि जो तीन प्रमुख तत्व हैं उसमें जैविकी तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस में वृद्धि होती है, प्रोफेसर डीएस नाग का कहना है। जो प्रत्यक्ष सामाजिक तत्व हैं उसमें आप बता सकते हैं कि आत्मसंयम, संतति निग्रह, परिवार नियोजन की जो विधियाँ हैं, गर्भ समापन, भ्रूण हत्या, शिशु या बाल हत्या, इनको आप शामिल कर सकते हैं। जो अप्रत्यक्ष सामाजिक तत्व हैं उसके अंतर्गत वो काम फैक्टर आप शामिल कर सकते हैं जो जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रजनता को बढ़ाते घटाते हैं। इसमें विवाह की आयु, तलाक, अलगाव और वैधव्य, बहुपत्नी तथा पति पत्नी के मध्य सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों के कारण दूरी होना, अलगाव होना, गर्भधारण और प्रसवोपरांत अलगाव और विवाहोपरांत जो आत्मसंयम है, इनकी वजह से प्रजनता बढ़ती और घटती है। आइए दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है मृत्यु क्रम। यह बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी वजह से किसी स्थान की जनसंख्या बढ़ती और घटती है। जनसंख्या के जो प्रभावित करने वाले तीन तत्व हैं, मैंने पहले तत्व की अभी चर्चा किया, उसमें उच्च दर जन्म दर अथवा उच्च प्रजननता है। दूसरा जो तत्व है वह मृत्यु क्रम को लेकर के है। मॉर्टलिटी की वजह से प्रायः यह देखा जाता है कि जनसंख्या में बहुत तेजी से परिवर्तन आता है। जैविकी दृष्टि से हम सब अच्छी तरह से जानते हैं मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। शरीर की जो नश्वरता है, जैविकी दृष्टि से हम मृत्यु का आशा लगाते हैं। जिसका सजीव जन्म हुआ है वह एक अंततः उसका समाप्त होना निश्चित है। और जैविकी जो शक्तियां हैं, जब हमारे अंदर समाप्त हो जाती है तो हम कह देते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मृत्यु के विभिन्न कारणों को हम विभिन्न बिंदुओं के अनुसार लेकर के इनकी चर्चा कर सकते हैं। कुपोषण को लेकर, बीमारियों को लेकर, पर्यावरण संबंधी दशाओं को लेकर, चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव जहाँ होता है, दुर्घटनाएँ भी महत्वपूर्ण हैं, सामाजिक और आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण हैं जिनकी वजह से मृत्यु बढ़ता है। अभी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कोविड काल में मृत्यु जो है बड़ी तेजी से दुनिया में बढ़ी। एक महत्वपूर्ण बिंदु और भी है, वो है शिशु मृत्यु दर को लेकर। दुनिया में शिशु मृत्यु दर, विशेषकर भारत में, यह दर ऊंची है और उसके जो कारण हम कह सकते हैं इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट हाई है। क्यों हाई है, ये उसके सारे कारण, एक तो बाल विवाह है, दूसरा है गर्भावस्था में माँ के लिए पौष्टिक आहार का अभाव होता है तो उसकी वजह से बच्चे पर असर पड़ता है, अकुशल दाइयों के द्वारा डिलीवरी कराई जाती है, प्रसव कराए जाते हैं, आधुनिक प्रसूत सुविधाओं की कमी और अप्रचलन विधियों का प्रयोग करना ये भी महत्वपूर्ण है। मातृत्व अज्ञानता भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। रूढ़वादिता और अंधविश्वास के कारण भी शिशु मृत्यु दर ऊँची होती है। परिवार में जहाँ गरीबी ज़्यादा होती है, दरिद्रता होती है, वह भी एक वजह होती है कि बच्चों में कुपोषण आता है, तमाम ऐसी समस्याएं आती है जिसके कारण उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। जन्म अंतराल कम होना या बार बार डिलीवरी होने से भी माँ के स्वास्थ्य में गिरावट आती है, एक वजह ये भी है शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होने की। पालन पोषण दोषपूर्ण होना भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता है जिसकी वजह से शिशु मृत्यु दर ऊंची रहती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु हम कह सकते हैं वह मातृ मृत्यु दर को लेकर है। अभी तक हमने चर्चा की शिशु मृत्यु को लेकर, अब हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मातृ मृत्यु दर को लेकर है। मातृ मृत्यु दर ऊंची होती है, ऊंची होने की वजह यही है, ये सारे फैक्टर्स माँ के मृत्यु दर को बढ़ाने घटाने में अपना वाइटल रोल प्ले करते हैं। जैसा कि पहला बिंदु बता रहा है अर्ली मैरिज, बाल विवाह। बाल विवाह से क्या होता है, ऐसी लड़कियां जो कम उम्र में शादी जिनकी हो जाती है, एजेड मैरिज जिनकी कम होती है, वह माँ बनने के योग्य नहीं होती हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे लड़कियां कम आयु की वह शीघ्र ही समस्याओं के बढ़ने की वजह से वो शारीरिक थकावट का दबाव भी महिलाएँ महसूस करती हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। प्रसव व्यवस्था असुविधाजनक और दोषपूर्ण होना, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो मातृ मृत्यु दर को बढ़ाती है। सामाजिक ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं जिनके कारण महिलाएं उनमें घेरे में रहती हैं, अंधविश्वास भी उनके बीच में होता है,
ऐसे तत्व होते हैं जिन पे वो ज़्यादा भरोसा करती है और वो आगे चल के उनके मृत्यु का कारण बनता है। अस्वस्थ होने पर वो मेडिकल थेरेपी का प्रयोग न करने के बजाय किसी टोना टोटका जादू मंत्र और इस प्रकार के लोगों के चक्कर में आती हैं, उसकी वजह से ये समस्याएं उनको बढ़ती है। निरक्षरता एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक ऐसी समस्या है कि यदि हमारी बढ़ती है लिटरेसी तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का निदान होता है, लेकिन यदि लिटरेसी रेट कम होती है विशेषकर महिलाओं में तो समस्याएं और भी ज़्यादा विकट होती है। मातृ मृत्यु दर की एक महत्वपूर्ण वजह ये भी है कि निरक्षरता बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। कुपोषण और निर्धनता भी इसके मातृ मृत्यु दर को बढ़ाने में अपना रोल प्ले करते हैं। कुपोषण इसलिए कि माँ को अपने स्वास्थ्य को ठीक करने में जो उनको समुचित रूप से आहार मिलना चाहिए वो आहार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनका शारीरिक विकास पूरी तरह से नहीं होता है। कुछ ऐसे भी महिलाएं होती हैं जो बार बार डिलीवरी होती है और उसकी वजह से भी उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मृत्यु दर को बढ़ाने में अपना वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो इस प्रकार से अभी तक दो तत्वों की चर्चा मैंने कर दी है। पहला जो तत्व है वह उच्च जन्म दर, जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण तत्व है, और दूसरा तत्व आपका बना मृत्यु दर, और तीसरा आपके सामने प्रस्तुत है, यह है माइग्रेशन, प्रवास। आइए हम जानें प्रवास का अर्थ और इसकी परिभाषा क्या है। प्रवास जनसंख्या वृद्धि का एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो किसी स्थान की आबादी को बढ़ाने में बहुत तेजी से अपना रूप ग्रहण करता है। आइए देखें, यह तीसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तीनों महत्वपूर्ण घटकों में यानी फर्टिलिटी, मॉर्टिलिटी और माइग्रेशन, इन तीनों में जो माइग्रेशन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी देश की आबादी को अचानक बढ़ा देता है माइग्रेशन। यह बहुत कम समय में परिवर्तन ला सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनसंख्या के आकार, गठन और वितरण में बहुत तेजी से परिवर्तन लाने का काम ये तीसरा फैक्टर माइग्रेशन करता है। और इसके जो आंकड़े भी हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत सारी दुनिया में ऐसी समस्याएं आई कि जैसे हमारे देश में 1971 में जब भारत और पाक की लड़ाई हुई, या बांग्लादेश के बहुत सारे जो वहाँ सैनिक पकड़े गए थे वो सब लोग जब यहाँ पर आए तो हमारे देश में बहुत सारी आबादी बढ़ गई, या भारत पाक का जब विभाजन हुआ तो ये भी हुआ, किसी स्थान की परिवर्तन हो गया। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं किसी स्थान की आबादी को बढ़ाने घटाने में माइग्रेशन अपना रोल प्ले करती है। यद्यपि यह शुद्धता अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के स्तर पर अधिक रहती है, फिर भी जो आंतरिक प्रवास है वह प्रवास के आंकड़े सरकारी स्तर पर रखे जाते हैं भले ही उतने विश्वसनीय न हो। साधारण रूप से यदि छात्र हूँ आपको समझाने का कोशिश करें तो आप ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन वास्तव में यही प्रवास है। इसको हम देशांतरण भी कह सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को यदि जनसंख्या मूव करती है तो, और वहाँ रुकती भी है रहती भी है, तो इसको हम प्रवास के अंतर्गत रखते हैं। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान को आता जाता रहता है और जिसके परिणाम स्वरूप उसका जो सामान्य निवास है वो बदलता रहता है, और यही माइग्रेशन के अंतर्गत आता है। ये अपने देश के संदर्भ में हम अगर आप देखें या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के संदर्भ में भी देखें तो अपने देश के संदर्भ में आप इसे दो रूप में कह सकते हैं, एक हमारा है आंतरिक प्रवास और दूसरा है बाह्य प्रवास। आंतरिक प्रवास इन माइग्रेशन, बाह्य प्रवास यानी आउट माइग्रेशन। आंतरिक प्रवास जो होता है वह इंटरनल होता है, जहाँ पर आप हैं वहाँ से जुड़ा होता है, और जबकि बाह्य प्रवास जहाँ आप निवास कर रहे हैं उस स्थान से बाहर जाना पड़ता है। प्रवास के जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो इसमें इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन इसमें आता है।
इंटरनल माइग्रेशन देश के अंदर होता है और इंटरनेशनल माइग्रेशन अपने देश से दूसरे देश में जाने को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। आइए इनके को जो महत्वपूर्ण कारक हैं, प्रभावित करने वाले तत्व हैं, उनकी चर्चा करें। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो पुल फैक्टर्स हैं, जो माइग्रेशन को आकर्षित करते हैं? आप देखें, आकर्षक कारक वो कारक है जिनसे प्रभावित होकर व्यक्ति अपना निवास स्थान छोड़कर अन्यत्र आकर्षित करने वाले स्थान में जाके बस जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्टर्स हैं इसमें बेटर एम्प्लॉयमेंट एक कारक आप कह सकते हैं, ये आर्थिक कारण के अंतर्गत आएगा। व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट के लिए भी मूव करता है, माइग्रेशन करता है और बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी माइग्रेट करता है। दूसरा कारक है बेटर एजुकेशन, शिक्षा के लिए तो माइग्रेशन करता ही है, ज़्यादातर इसमें विद्यार्थी माइग्रेट करते हैं और दूसरे बेटर एजुकेशन के लिए भी शिक्षार्थी माइग्रेट करते हैं। एक महत्वपूर्ण और तत्व है, वो है आवास की अच्छी सुविधा होना। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर रहने की सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं होती, रहने की अच्छी सुविधाओं के लिए व्यक्ति माइग्रेट करता है। मनोरंजन के अच्छे साधनों की उपलब्धता के वजह से भी व्यक्ति पुल फैक्टर के कारण प्रभावित होता है। कभी कभी हम देखते हैं जलवायु भी जो है माइग्रेशन के कारण का एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन जाता है। स्वास्थ्यप्रद जलवायु अगर कहीं अच्छी होती है तो व्यक्ति वहाँ जाना पसंद करता है। हो सकता है उस स्थान पर जहाँ वो रह रहा है वहाँ की जलवायु उसको सूट न कर रही। उन्नत नागरिक जीवन के लिए भी व्यक्ति माइग्रेट करता है, उसको लगता है कि अगर हमको बेटर सिविक लाइफ चाहिए तो जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ हमारा जो जीवन है, हमारे बच्चों का जीवन है, हमारे परिवार का जीवन है, वो बहुत अच्छा नहीं है, तो व्यक्ति इस कारण से भी माइग्रेशन करना पसंद करता है। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रीजंस ऑफ पुल फैक्टर्स। आइए हम देखें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं पुल फैक्टर के अलावा पुश फैक्टर्स को भी, यानी विकर्षण कारक को भी हम जानना चाहेंगे। अब देखिए, ये यह कारक है जिनसे प्रभावित होकर व्यक्ति अपना निवास जहाँ वो रहता है उसको वह छोड़ना पसंद करता है। ये एक पुश फैक्टर की तरह काम करता है। कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण तत्व हैं? जो अपना निवास स्थल है वहाँ यदि रोजगार के अवसरों की कमी है तो वह निश्चित रूप से रहना पसंद नहीं करता है और चाहता है कि हम अन्यत्र जाएं। ये पुश फैक्टर का काम बन गया है। दूसरा जो है हम कह सकते हैं शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव है, ये वजह भी है जिसकी वजह से वो अनस्किल्ड रह जाता है। अगर उसको स्किल्ड लेबर बनना है, उसको अगर कुशल श्रमिक बनना है, अच्छा विद्यार्थी बनना है, अच्छा कामगार बनना है, तो ऐसी वजह से वो जिस स्थान पर रह रहा है वहाँ से वह माइग्रेट करना पसंद करता है। एक महत्वपूर्ण ये पुश फैक्टर का काम है। मनोरंजन की सुविधाओं का अभाव होना यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसकी वजह से व्यक्ति माइग्रेट करता है। उन्नत के अवसरों का न होना, व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में ऐसे ऐसे अवसर आएँ जहाँ से वह धीरे धीरे उन्नति करे और आगे अग्रसर होता जाए, लेकिन यदि उस स्थान पर उन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं है तो स्वाभाविक है कि वहाँ वो रहना पसंद नहीं करेगा। सामाजिक बहिष्कार है, कभी कभी ऐसा भी होता है, गैर सामाजिक ऐसे तत्व हैं जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनको पसंद नहीं करते हैं, तो इन तत्वों के कारण भी व्यक्ति उस स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य होता है। सामाजिक माहौल प्रतिकूल होना भी एक महत्वपूर्ण है। कभी कभी जातीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष या ऐसे भी अन्य बहुत सारे कारक बन सकते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य होता है। आतंकवाद भी एक महत्वपूर्ण हम कारक मानते हैं जिनके कारण व्यक्ति उस स्थान से विकर्षित होता है। राजनीतिक, सामाजिक और जातिगत और धार्मिक भेदभाव भी हम ये कह सकते हैं जो पुश फैक्टर को बढ़ाने घटाने में अपना वाइटल रोल प्ले करते हैं। अध्ययन के दृष्टिकोण से हम माइग्रेशन को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उसमें इन कारकों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। नेचुरल जो फैक्टर्स हैं, प्राकृतिक कारक हैं, आर्थिक कारक के रूप में दिखा सकते हैं। अब आर्थिक कारक में कृषि योग्य भूमि का अभाव, औद्योगीकरण, नगरीकरण, यातायात की सुविधाएं, सामान्य जीवन हेतु आर्थिक स्थिति ठीक करना और राजनीतिक, सामाजिक और जनांकिकीय और धार्मिक सांस्कृतिक कारण को हम सम्मिलित कर सकते हैं।
आप ये देखें प्राधिकरण में, जैसे हमने भी चर्चा किया कि ये ऐसी वजह बन जाती है जहाँ व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता है और ऐसे स्थान को वह माइग्रेट करना पसंद करता है जहाँ की प्रकृति उसके अनुकूल होती है। यदि प्रकृति उसकी अनुकूल नहीं होती है तो व्यक्ति वहाँ पर रहना पसंद नहीं करता है। आर्थिक कारणों में जैसे यहाँ पर ये 5 बिंदु दिखाए गए हैं, आर्थिक जो कारक हैं उसमें यदि कृषि योग्य भूमि वहाँ नहीं है, जमीन क्षारीय है, रेगिस्तान है, मरुभूमि है, पठारी है, पहाड़ी भूमि है, तो उसको लगता है कि खेती करने में हमें परेशानियाँ हो रही हैं, तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जहाँ बेहतर अवसर उपलब्ध हैं वहाँ जाना वो पसंद करता है। अर्बनाइजेशन, नगरीकरण भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। आज आप देख रहे हैं दुनिया में गाँवों से लोग माइग्रेट करके शहरों में बस रहे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए। वो चाहते हैं अपने लिए, समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतर जो हमारी सिविक लाइफ है वो हमें मिले। यह तभी संभव है जब हम शहरीकरण करें, नगरीकरण करें। यदि ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो स्वाभाविक है इससे हमारा औद्योगिकरण भी बढ़ता है और देश का विकास भी होता है, इसको लोग पसंद करते हैं। यातायात की सुविधाएं जैसे गांव में नहीं रहती हैं, इसकी वजह से भी लोग गांव से शहरों में जाना पसंद करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण कारक है। अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए भी व्यक्ति चाहते हैं कि हम एक स्थान से या पिछड़े स्थानों से जो विकसित क्षेत्र हैं वहाँ को माइग्रेट करें। राजनीतिक कारण भी कभी कभी हो जाते हैं जिनके कारण भी लोग माइग्रेट करना पसंद करते हैं। यदि किसी स्थान पर एक समुदाय के लोग या दूसरे समुदाय के लोगों में आपस में नहीं समझदारी दिखाई दे रही है, उनको लगता है यहाँ पर कुछ समस्याएँ ज़्यादा हैं, तो व्यक्ति वहाँ से हटना पसंद करता है। जनांकीय कारणों को भी आप यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कारण बता सकते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण ऐसा तत्व है जो माइग्रेशन को प्रभावित करता है। किसी स्थान पर जैसे डेथ रेट ज़्यादा हो रही है तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति वहाँ से माइग्रेट करना पसंद करता है, वजह उसकी चाहे कुछ भी हो सकती है। धार्मिक और सांस्कृतिक कारकों की वजह से भी व्यक्ति स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान को माइग्रेट करना पसंद करता है। धार्मिक और सांस्कृतिक कारकों में आप बता सकते हैं कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो उसके धर्म के अनुकूल होते हैं, उसको विशेष रूप से आकर्षित करते हैं, ऐसे स्थानों पर वह व्यक्ति जाना पसंद करता है। ये महत्वपूर्ण कारक हमने आपको अध्ययन के दृष्टिकोण से आपको ये बताया। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं, यहाँ पर ये प्रदर्शित है। जैसे दूरी है, भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज है, वर्तमान व्यवसाय और स्थान से लगाव है, मार्ग व्यय है, प्रवास की क्षमता है और प्रवासी का स्वास्थ्य, आयु और इच्छा शक्ति और प्रवास के नियम, ये सारी भी चीज़ें हैं। आप इनको आप बता सकते हैं कि यह बाधक तत्व हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में यदि दूरी कम है तो माइग्रेट कर जाते हैं, जैसे गाँवों से अपने निकटवर्ती जो शहर है लोग माइग्रेट करने में हिचकते नहीं हैं, वहाँ माइग्रेट कर जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा दूर जाने में उन्हें दिक्कत आती है। हमारे देश से बहुत सारे लोग ऐसे जो गिरुटिया मजदूर थे, किन्हीं न किन्हीं वजहों से माइग्रेट तो किए लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्हें समझ में आया कि हम फंस गए हैं। तो जब ये अपने पीछे लोगों को बताते हैं कि एक तो बहुत दूर है, यहाँ आना ठीक नहीं है, तो लोगों को समझ आता है दूरस्थ स्थानों पर माइग्रेट करना उचित नहीं है, तो ये भी एक वजह है। भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज भी जो है माइग्रेट करने में, प्रवास करने में, देशांतरण करने में दिक्कत करता है। वजह क्या है कि अगर जिस स्थान को आप जाते हैं आपकी बोली भाषा, आपके रीति रिवाज में अंतर है, परंपराओं में अंतर है, तो वहाँ फिर आपको समिश्रित होने में, वहाँ आपका समायोजन होने में समस्या आती है। वर्तमान व्यवसाय और स्थान से लगाव होना भी एक महत्वपूर्ण है। अगर कोई ऐसा परिवार है जो खेती में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, खेत से जुड़ा है, घर परिवार से जुड़ा है, अपने कुनबे समाज समुदाय से जुड़ा है, तो वो वही रहना पसंद करता है, प्रवासित होना पसंद नहीं करता है। मार्ग व्यय भी होता है महत्वपूर्ण एक तत्व। दूर स्थान पर जाने पर खर्चे ज़्यादा बढ़ते हैं, व्यय ज़्यादा आता है। प्रवास की क्षमता भी एक महत्वपूर्ण तत्व कह सकते हैं। सबके अंदर एक तत्व नहीं होता है कि प्रवास करें, क्योंकि प्रवास करने में बहुत सारी समस्याएं आती है, प्रवासी व्यक्ति पर असर पड़ता है।
प्रवासी का स्वास्थ्य, आयु और इच्छा शक्ति भी एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में आप बता सकते हैं। इसके अलावा प्रवास के कुछ अपने नियम होते हैं, इन नियमों के तहत ही आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जो है, अब आप देखें इनके माइग्रेशन के जो परिणाम प्रभाव पड़ सकते हैं इनको आप देख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि माइग्रेशन करने से सकारात्मक भी असर आते हैं और नकारात्मक भी उसके प्रभाव पड़ते हैं। सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत आप बता सकते हैं कि भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम होता है, श्रमिकों की मांग और पूर्ति में सामंजस्य होता है, एकता की भावना का विकास होता है। यदि कोई एक परिवार दूसरे स्थान पर जाता है और सब लोग वहाँ इस प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके अंदर एकता का सूत्रपात होता है। नगरीकरण के भी अपने लाभ होते हैं और ऐसा करने से उसका लाभ मिलता है। जो निगेटिव पॉइंट्स हैं उनको आप बता सकते हैं कि ऐसा करने से यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो कभी कभी मानसिक असंतोष भी बढ़ता है या प्राप्ति होती है। अंतर व्यक्तिक संबंधों का ह्रास होता है, एक समुदाय दूसरे समुदाय, एक जाति दूसरे जाति, या आपस में जो खींचतान होती है समुदायों के बीच में, उसकी वजह से आपसी जो संबंध होते हैं उसमें कमी आती है, ह्रास आता है, एक महत्वपूर्ण है। वर्ग भेद की चर्चा भी ये महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं, ये माइग्रेशन के परिणाम बढ़ते हैं। सामंजस्य की समस्या और जनसंख्या वृद्धि भी प्रवास को प्रभावित करती है। जनघनत्व में वृद्धि की समस्या भी माइग्रेशन के परिणाम को आप बता सकते हैं। इस प्रकार से हमने आपके सामने जनसंख्या वृद्धि को जो प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन पर हमने आज एक पुनर्चिंतन किया, उसमें तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आपके सामने व्याख्या अपनी रखी। पहला उच्च प्रजनन दर, उच्च जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। यह तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं, घटक हैं। धन्यवाद।